और एक बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में केजीएमयू में ब्लैक फंगस के 124 मरीज भर्ती हैं, जबकि 22 मरीज महज पिछले 24 घंटे में भर्ती किए गए हैं। 12 मरीजों की सर्जरी हुई है पिछले 24 घंटे में, 2 मरीजों की मौत हुई है, जबकि पिछले 24 घंटों में कोई मरीज डिस्चार्ज नहीं हुआ है। प्रदेश सरकार ने महामारी घोषित कर दिया है ब्लैक फंगस को। 24 घंटे में ही 22 मरीज आए हैं केजीएमयू में, वहीं कुल मिलाकर के केजीएमयू में अभी 124 मरीज ऐसे हैं जो कि ब्लैक फंगस की शिकायत की वजह से भर्ती हैं। अलग अलग प्रदेशों में ब्लैक फंगस के मामलों में काफी तेजी से इजाफा हुआ है और यूपी भी इससे अछूता नहीं है। अकेले लखनऊ के केजीएमयू में ही 124 मरीज ब्लैक फंगस की वजह से भर्ती हैं। यूपी में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के मामले। यूपी में कोरोना के 6,046 नए केसेस सामने आए हैं। 24 घंटे में 17,540 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,00,000 से भी कम रह गई है। फिलहाल कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 94,482 है। बड़ी राहत की खबर, ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा कहीं ज्यादा है, 17,000 से ज्यादा है, जबकि नए मरीजों की संख्या 6,046 है। ये अंतर काफी राहत देने वाला है क्योंकि कोविड मरीजों की संख्या में कमी हो रही है। 24 घंटे में केसेस आए हैं उनकी संख्या 6,046। जो लोग 24 घंटे में उपचारित होकर डिस्चार्ज हुए उनकी संख्या 17,540। इस प्रकार लगातार 22 दिनों से हम देख रहे हैं कि एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या प्रदेश में निरंतर कम हो रही है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या 94,482 है, जो कि 30 अप्रैल के एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस के पीक नंबर 3,10,783 की तुलना में 69.6% कम है। लखनऊ से संवाददाता निखिल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, एक बार फिर से राहत भरी खबर, जिस तरह से आंकड़े कम हो रहे हैं लगातार तेजी के साथ, बहुत शुभ संकेत कहा जा सकता है प्रदेश के लिए। बिल्कुल, कल कुछ केसेस में मामूली बढ़त देखी गई थी, लेकिन आज फिर इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से गिर रहा है। अंदाजा इस बात से लगा रहे हैं कि जितने संक्रमित मरीज रोजाना आ रहे हैं उससे 3 गुना डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो ये संख्या काफ़ी तेज़ी से कम हो रही है। और जो सरकार की नीति थी कि टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ट्रेसिंग ज़्यादा से ज़्यादा करना है और ट्रीटमेंट तेज़ी से करना है, तो उसका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में दिख रहा है। सभी शहरों में इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है कि संक्रमण की रफ्तार लगातार गिर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात की प्लानिंग भी की थी कि किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश में जो कोरोना के संक्रमण की रफ्तार है उस पर लगाम लगानी है, तो उसके लिए बहुत सारी स्ट्रेटजी सरकार ने अपनाई थी और उसका असर अब प्रदेश के हर शहर में दिख रहा। जी निखिल, ये तो राहत भरी बात हो गई, लेकिन ब्लैक फंगस एक बहुत बड़ी आपदा बनकर के आया हुआ ऐसा लग रहा है। जैसे केजीएमयू में ही 124 केसेस हैं और ऐसे में ये बहुत बड़ी चुनौती है अब प्रदेश सरकार के लिए। बिल्कुल, 124 केसेस केजीएमयू में है। इसके साथ ही अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से पूरे प्रदेश में 311 संक्रमित तमाम अस्पतालों में भर्ती। हालांकि ज़्यादातर मरीज को लखनऊ शिफ्ट किया जा रहा है, जो पूर्वांचल के पेशेंट हैं उनका ट्रीटमेंट लखनऊ के केजीएमयू राम मनोहर लोहिया जैसे हॉस्पिटल में हो रहा है, तो इसलिए लखनऊ में संख्या थोड़ी ज़्यादा देखी जा रही है। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि जिस तरह से संक्रमण की रफ्तार बढ़ी थी उसके बाद ब्लैक फंगस के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और ये थोड़ा सा मुश्किल है स्वास्थ्य विभाग के सामने, चिकित्सा शिक्षा विभाग के सामने। चूँकि जब कोई पेशेंट ब्लैक फंगस से संक्रमित होता है तो ऐसे में उसका जटिल ऑपरेशन होता है, वक्त लगता है, तो इसमें काफी वक्त लग रहा है। लगातार केजीएमयू ऐसे मरीजों, संक्रमित मरीजों का सर्जरी कर रहा, कोशिश कर रहा है कि उनको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट मिल जाए। ठीक है निखिल, इसके साथ साथ एक सवाल अहम ये भी है कि जो ब्लैक फंगस की दवाइयां हैं उसकी जगह जगह कमी की बात आ रही है, तो वो दवाइयां जो है मरीजों तक सही समय पर पहुंच सके ये सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
अब बिल्कुल इसको सुनिश्चित करने के लिए सभी मंडल स्तर पर नोडल अफसर नियुक्त किए गए हैं, जो जनपदों में इससे जो निपटने के लिए जो इंजेक्शन और दवाइयां हैं उनका इंतजाम कर रहे हैं। सरकार खुद जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से ये दवाइयां उपलब्ध करा रही, कोई भी निजी चिकित्सालय अगर चाहे तो सीएमओ कार्यालय से इसकी दवाइयां ले सकता है, इसका इंजेक्शन ले सकता है, चाहे शनिवार हो या कल की हम बात करें, आज की बात करें, तो हर जगह हर जनपद में इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। लखनऊ में भी जिनको ज़रूरत थी उनको इंजेक्शन और दवाएं दी गई हैं। तो ये सरकार का प्रयास है। सरकार ने जैसे ही ब्लैक फंगस की स्थिति आई वैसे ही सबसे पहले दवाओं को नियंत्रण में लेने की कोशिश की ताकि किसी भी स्थिति में कालाबाजारी ना हो सके। लेकिन चूंकि ब्लैक फंगस बहुत तेजी से बढ़ा है, बहुत कम प्रतिशत हुआ करता था ब्लैक फंगस के मरीजों का, तो ऐसे में जो दवाएं हैं जो इंजेक्शन है उनके उत्पादन की गति बहुत धीमी थी, तो उसे बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही। तो निश्चित तौर पर इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि सोमवार से दवाओं की कम से कम और इंजेक्शन की कोई कमी नहीं होगी। फिलहाल जिला अस्पतालों में और जिला स्तर पर जब सीएमओ हैं वो इसकी तैयारी पहले से कर चुके हैं, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई भी है। जी जी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए निखिल।